देखें, एरे सिंगल डायमेंशन, ठीक है। इस सिंगल डायमेंशनल एरे में क्या देखें कि लिप से हम बोलते हैं 20, 20, 10, तो आपको मिला क्या, आपको 10 रिकॉर्ड आप ले सकते हैं और 10 रिकॉर्ड को आप ऐसे दिखा सकते हैं, नम 0, मतलब 10 रो आपको मिल जाता है, नम 1, नो तक राइट, नम 0, ओह नम 1 गायब कर दिए हैं, ठीक है। आपको ये 10 मिलता है। अब कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसा होता है, जैसे आपको बोला गया कि आपके पास 10 आदमी तो है, 10 आदमी तो है, लेकिन हर आदमी का मान लेते हैं 5-5 सब्जेक्ट का मार्क्स आपको इनपुट करना है, हर आदमी का क्या करना है, पांच 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 सब्जेक्ट पांच का मार्क्स सब्जेक्ट है। का मार्क्स इनपुट करना है, मतलब नम 0 का भी 5 सब्जेक्ट का मार्क्स, नम 1 का भी 5, नम 2 का भी 5, नम 3 का भी 5, नम 4 का भी 5, नम 5 का भी 5, सबका 5-5। तो पहले तो आपको 10 आदमी चाहिए, तो 10 आदमी के लिए तो आप ये 10 आप एरे डिक्लेयर कर दीजिएगा, यस है ना, 10 आदमी का, तो आप 10 एरे डिक्लेयर कर दिए। अब क्या है कि हर आदमी का 5-5 और एरे करना है, राइट, जी हर जी आदमी में 5-5 रिकॉर्ड डालना है, पहला पांच आदमी का 5 सब्जेक्ट का। रिकॉर्ड, दूसरा आदमी का भी 5 रिकॉर्ड, तीसरा आदमी का भी 5 रिकॉर्ड, चौथा आदमी का भी 5 रिकॉर्ड, हर आदमी का 5-5 रिकॉर्ड आपको करना है ना, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी करना हो तब हम लोग बात करते हैं डबल डायमेंशन। तो डबल डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, तो आपको क्या चाहिए, 10 आदमी चाहिए और हर आदमी का 5, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो अब क्या यस सर। होगा कि ये जो नम 0 है ना, नम 0 का अब नम 0 नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा इस तरह से कुछ, नम 0 जीरो और यहां पे आ जाएगा 0। ये क्या है देखिए जरा, पहले हम बता देते हैं, यहां लिख देते हैं फिर बात, क्योंकि नहीं तो हम यहां से लिख के हटेंगे ना तो बाद में यहां पे आ नहीं पाएंगे। तो जाएगा नम 0 0, इसके बाद हो जाएगा तुलसी, ठीक है। तो नम 0, उसके बाद हो जाएगा 0 1, 0 2, 3, 3, 4 ठीक है। सेम चीज आपका बाकी समय भी इसी तरह से होगा कि नम 1 है, उसके बाद 0 कॉमा, 1, 1 हो जाएगा सर। ठीक, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके हर रो में 5-5 कॉलम बन गया है, क्या बन गया, हर रो में 5-5 पॉकेट बन गया है, बात समझे। यस सर। और तो अभी तक आप जैसे लिखते थे नम ऑफ आई, क्या लिखते थे, नंबर नम फाइव ऑफ आई, अब आपको दो वेरिएबल चाहिए, एक आई के लिए और हेलो दूसरा
इसमें जे लग सकता है या ए भी रख सकता है, जेके नम ऑफ ए, तो सब भी रख सकता है, ए और बी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका इस तरह का डेटा हो गया, हर रो के लिए, जैसे आपके पास 10 रो है, हर रो के लिए पांच पांच कॉलम, हर रो के लिए पांच 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 कॉलम। कॉलम, और डेटा आपका इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आपका पॉकेट का नंबर जो है, एक नंबर नहीं रहा, पॉकेट के नंबर में कितना नंबर रहा हो गया आपके पास? दो 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 नंबर। कोई दिक्कत? नो सर, पॉकेट में आपका क्या हो गया है, आप दो 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 नंबर, नंबर हो चुके। ठीक है। तो अगर इसी तरह से करेंगे, हम 10 की जगह अब हम क्या करते हैं, 5 रखते हैं, ताकि जो है ना ज्यादा बार हमको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़े, ठीक है। इसके जगह पे आपका हो जाएगा, देख सकते हैं, टू सी ए, ये हो जाएगा आपका टू 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 टू, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा थ्री, आपका हो जाएगा ठीक। तो आपके पास जो है, अब ध्यान से देखिए, अब मान लेते हैं आपको इसमें डेटा एंट्री करना है, क्या करना है, डेटा डेटा एंट्री एंट्री करना है। पहले आपका पहला स्टूडेंट का 500 मार्क्स आपको एंट्री करना है, पहला स्टूडेंट का 500 सब्जेक्ट का मार्क्स आपको एंट्री करवाना है ना। तब जरा ध्यान से देखिए, तो क्या हो गया, तो आपका पॉकेट का नंबर यहाँ पे जी, ये जो है पहला वाला जो चीज है, सब में फिक्स है, कांस्टेंट है, यस सर, और दूसरा वाला चीज जीरो चेंजिंग है। से लेके 4 तक है ना, यस ठीक है। दूसरा वाला, अब देखिए दूसरा स्टूडेंट का जब करना है, तो फिर आपका पहला एक हो गया और ये फिक्स हो गया, यस सर, और दूसरा जो है कॉलम जो है वो बढ़ता जा रहा है, नहीं? तो अगर आपको ऐसा कुछ करना पड़े, जैसे हमको एक ही स्टूडेंट का, हमको अगर 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करना पड़े, एक ही स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट का इनपुट करना पड़े, एक ही स्टूडेंट है, तब हमको डबल डायमेंशन लेने का जरूरत है कि सिंगल डायमेंशन में काम चल जाएगा? एक ही स्टूडेंट का 5 लेना है सर। सर तो भी आप नेम डलवाएंगे और उसके बाद ना ओके, उनका मार्क्स तो डालना ही पड़ेगा ना। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब हम एरे बनाते हैं, जो एरे के डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेम टाइप। इसमें जो आप डेटा डालेंगे, उसका डेटा टाइप क्या होगा, सेम होना सेम चाहिए। होगा। तो जैसे ये जो एरे बना है, किसका बना है, किस डेटा टाइप का, इंट का इंट का। तो इंट का अगर डेटा ये बना है, तो इसमें जो वैल्यू जाएगा क्या जाएगा, इंट ही जाएगा। केवल नेम, खाली जो है नंबर जाएगा, राइट। ये जो 0,0 क्या है, एक लोकेशन है, 0,0 क्या है, एक लोकेशन लोकेशन, ये दो चीज नहीं है, इसका नाम 0,0 है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ही ये है, लेकिन ये रिप्रेजेंट कितने वेरिएबल को कर रहा है, एक या दो, दो को करेगा। नहीं, ये एक ही को कर रहा है, इसका नाम है 0,0। जैसे सिंगल डायमेंशन में अगर रहता, तो इसका नाम क्या होता, नम 0, नंबर नम 1, नम 2, नम 3, नम 4, ठीक है। तो आपको लगता था कि अच्छा ये तो एक ही है, यही ना आपको लग रहा था, और यहाँ पे जब हम लिख दिए नाम ऐसा 0,0, तो आपको लग रहा है ये दो है, ऐसा नहीं है, वो ओके। इस लोकेशन का नाम करने का, नंबरिंग करने का सिस्टम है ये। जैसे आप मैट्रिक्स बनाते हैं ना मैथ में, यस हर मैट्रिक्स में एक ही वैल्यू आ जाता है ना, सर ठीक है। तो यहाँ पे आज मैट्रिक्स आप इसको समझ लीजिए, ठीक जी सर, है। तो नो सर, ये 0,0 में कितना वैल्यू जाएगा,
जीरो इस कॉमा यहाँ जीरो पे में कितना वैल्यू वैल्यू, कितना एक वैल्यू ही आपको, जाएगा, एक ही जाएगा। उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट होना प्लेन चाहिए। होगा सर, है ना। अब मान लेते हैं, अब आते हैं खुशबू के क्वेश्चन में, कि मान लेते हैं कि हमको क्या है, स्टूडेंट का नाम भी इनपुट करना है। हमको क्या है, 10 लोगों का नाम नाम इनपुट भी करना है। इनपुट करना है। तो उसके लिए हम बोलेंगे कि हमको 10, एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जिसमें 10 स्टूडेंट का नाम और हर स्टूडेंट का 5-5 सब्जेक्ट का मार्क्स एंट्री करना है। क्या करना है, नेम ऑफ 10 स्टूडेंट स्टूडेंट एंड मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स ऑफ ईच स्टूडेंट। ठीक है, अब जो खुशबू का ये क्वेश्चन है कि अब हमको ये करना है, अब है ना, तो अभी इसको, ये अगर हम लोगों को करना होगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये 10 स्टूडेंट का जो मार्क्स है उसके लिए एक अलग एरे डिक्लेयर करना होगा, जिसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग वाला, कैर वाला, राइट। यस ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, चलिए अभी 10 स्टूडेंट वाला भी देख ही लेते हैं, ठीक है, कि हम लोग इसका एरे डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो जैसे हमको 1 स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट करना होता है, क्या करना होता है, 1 स्टूडेंट का एक का मार्क्स इनपुट मार्क्स करना इनपुट होता है तो कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे, सर बोलिए, कैर नेम नेम उसका हम लोग अरे 5 दे देते हैं मान लेते, राइट, कैरेक्टर नाम है यस। ना। अब अगर हमको 10 का चाहिए तो इसमें कितना नाम स्टोर होगा, एक नाम, राइट, इसमें तो एक होगा सर, एक ही ना होगा, यस सर, और उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर कितना होगा, 30 होगा, 30। तो ये एक के लिए है। अब अगर हमको 10 करना हो नाम, तो हमें क्या इक्वल्स लिखना होगा, टू कैर नेम, नहीं इक्वल्स टू नेम, अगर हमको 10 करना हो तो हमको क्या करना होगा, हम पहले बोलेंगे 10 कितना नाम चाहिए, 10 और 10, करेक्टर और हर तीस नाम कितना चाहिए, तीस 30 30 करेक्टर का। तो हर नाम में आप कितना करेक्टर डाल सकते हैं, 30 थर्टी करेक्टर करेक्टर, ठीक है, यस सर, 10 और एक नाम में, सॉरी, एक नाम में 30 करेक्टर डाल नाम, सकते हैं, और टोटल आपका कितना नाम हो जाएगा, 10 10। समझ में आए ये सब लोगों को, हम्म। क्या करना है, 10 लोगों का, 10 स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करना है। तो अब हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो अब हम लोग को देखना ये है कि 10 लोगों को अगर हमको 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करना है, तो ध्यान देने की बात यह है कि पहला, जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग पहला स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट कर रहे होते हैं, जब हम लोग पहले स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट कर रहे होते हैं, तो पहला हम ये वाला जो पहला जो लूप चलेगा वो क्या होगा, पहले देखे तो इस सब में 0 0 है, कॉन्स्टेंट रहेगा सर, कॉन्स्टेंट रहेगा। दूसरा जो है बढ़ेगा, बढ़ेगा दूसरा जो है वो बढ़ेगा, राइट, ऐसे ही करना है। तो कितना लूप चलाना होगा, एक या दो, दो लूप चलाना भाई, दो लूप चलाना पड़ेगा, हाँ सर, है ना, एक पहली बार फिक्स रहेगा और दूसरा जो है और बढ़ेगा, दूसरा जब यस सर, ये जहां तक पहुंच जाएगा तो फिर दूसरा वाला एक बढ़ेगा और उसके अंदर वाला लूप फिर से 5 बार चलेगा, हाँ सर जी सर, ठीक है। तो मतलब अभी हम लोगों को एक लूप चलाना होगा जो कि चले 10 बार, और उस 10 के अंदर में हर लूप कितना बार चले, 5 बार, 5 बार, 5 बार, राइट। दो लूप यस रहेगा, एक लूप होगा 0 से लेके 9 तक, और अरे दूसरा पहला 0 से लेकर 5 से तक, लेकर 4 तक, फोर तक, 4 तक सर, 5 में 4 तक। राइट। चलिए तो हम लोग इसको करते हैं। तो अब हम लोगों को चाहिए रोल नंबर की जगह हम बोल देते हैं मार्क्स, है ना। यहाँ पे ये हो गया 2 डायमेंशनल और 10 स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट का मार्क्स, राइट। ठीक है, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स हो गया, और अब आपका पहला लूप तो जैसा है वैसा चलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर एक और लूप चलेगा फॉर जीरो 0 जे लेस देन 5 जे प्लस, ठीक है। और yes. ये आपका रोल नंबर, अब हम इनपुट नहीं कराएंगे, अब हम लोग मार्क्स भी इनपुट नहीं कराएंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, एसरेंड यूज करेंगे, ठीक है। एसरेंड के लिए आपको टाइम डॉट एच yes. और
एसटीडी लिव डॉट एच राइट यस एस सर, टी एस टी डी लिव एस इंक्लूड इनक्लूड इंक्लूड एच क्या इंक्लूड J 4 तक ना चलेगा? आई हाँ एम नॉट बिल्कुल रिच, 15 नंबर लाइन में हाँ J 4 तक चलेगा ना? अगर हाँ हाँ तो लेस देन लिखे हैं इक्वल्स टू दिया तो क्या लिखे हैं हाँ सर, 4 तक लेस चले, देन, तो यहाँ पे भी 4 ऐसा करते हैं जो क्योंकि यहाँ पे लेस इक्वल टू 9 लिखे हैं तो एक ही जैसा रखते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं। तक। ठीक है सो तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं वेरिएबल का नाम क्या है आपका मार्क्स ऑफ आई कॉमा जे और आपका जो है एस वैल्यू भी लगाना है ठीक और मार्क्स ऑफ आई कॉमा जी ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने का बात यह है जैसे हम चाहते हैं मार्क्स जो है 10 और 100 के बीच में हो मार्क्स क्या हो हेलो 10 और 100 के सब के बीच में बीच में हो तब बताइए कि 10 और 100 के बीच में अगर हमको चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए इसको जो है हम लोग डिवाइड कर देते हैं 90 से ठीक है किससे डिवाइड कर रहे हैं 90 से सर। 90 से क्यों क्योंकि अगर हम 90 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 से लेके 89 तक के बीच में बचेगा। यस सर, अगर हम 90 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा किसी भी नंबर को 90 से भाग करेंगे तो शेष जो है बचना होगा तो 0 से लेके 99 0 से लेके 89 तक बचेगा यस सर, वहीं तक ना है हाँ और उसमें अब हम लोग जोड़ देते हैं 10। 10 ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा अगर किसी का 0 है तो हो जाएगा 10 और किसी का 89 है तो हो जाएगा 99 लेकिन 100 कभी नहीं हो पाएगा राइट। तो यस सर, हाँ अगर इसको 100 11 तक जोड़ दें तब 100 तक हो सकता है या छोड़िए 100 नहीं चाहिए हमको 99 तक ही रखते हैं ठीक है कोई दिक्कत नो सर, चलिए। और ये आपका हो गया इनपुट तो अब आपको जो है टाइप नहीं करना पड़ेगा प्रोग्राम जो है अपने आप ही क्या कर लेगा सब स्टूडेंट का मार्क्स जो है इनपुट करके आपको ले लेगा राइट डिस्प्ले बार बार करेगा। टाइप नहीं यस करना है ठीक है। और अब हम क्या करने वाले हैं इसको हम प्रिंट करने वाले हैं। अगर आपको इनपुट करने का मन होगा तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे स्कैनफ लिखना पड़ेगा राइट यस और सर, उसका इनपुट किसमें लेना पड़ेगा प्रिंट एफ स्कैन एफ दोनों लिखना पड़ेगा। और इनपुट किस में लेना होगा मार्क्स ऑफ आई कॉमा मार्क्स जे में आई ठीक और जे में है। एक चीज आपको और भी ध्यान रखना है यहाँ पे जो ये नंबर डालते हैं ना पॉकेट का नंबर इसमें कभी भी वेरिएबल नहीं जाता है सी लैंग्वेज में ऐसा है इसमें कभी भी वेरिएबल नहीं जाता नहीं कॉन्स्टेंट। होगा। यहाँ पे आप डाल सकते हैं कांस्टेंट क्या डाल सकते हैं कांस्टेंट कांस्टेंट आपको बताएं राइट तो जैसे हम बोल सकते हैं कॉन्स्ट INT नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू लेट्स से यहाँ पे है 10 राइट और दूसरा कर देते हैं कॉन्स्ट INT नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इक्वल टू 5 ठीक है। तो अब हम जो यहाँ पे पॉकेट डिक्लेयर करेंगे तो हम बोल सकते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी नंबर ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पे कंट्रोल सी नंबर ऑफ ये भी बोल सकते हैं ठीक है। और यहाँ पे जो लेस देन 9 लिखे हैं यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स किन्हीं को ये यहाँ इसको समझने में कोई दिक्कत नो सर, मतलब किन्हीं को कोई दिक्कत सर हम लोगों को ये कॉन्स्ट लिखना जरूरी है? सिर्फ इंट लिख कर नहीं लिख सकते?
नहीं, अगर आपको कांस्टेंट डिफाइन करना है तो ये कांस्ट लिखना पड़ता है, राइट? केवल इंट लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल। चलिए करके देखते हैं, ऐसे हम कांस्ट को हटा देते हैं, ठीक है? जैसे ही कांस्ट हटा, देखिए यहाँ पे एरर आ गया है, ओके आ गया एरर। और ये क्या बोल रहा यस है, एरर में क्या दिखा रहा है, देखिए तो। लोकल वेरिएबल इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन मस्ट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू. ओके सर, कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए बिकॉज आप सर्वर टाइम जो है उसको डिक्लेयर कर रहे हैं. तो समझ में आ गया बात? तो यस सर, कांस्टेंट एरे के डिक्लेरेशन में हमेशा आप क्या यूज कर सकते हैं, केवल कांस्टेंट, ठीक है? तो मार्क्स में क्यों आ रहा है, ठीक है, चलिए जाएगा, ग्रैंड हो गया। अब हम लोग को सारा नंबर प्रिंट करना है, राइट? सारा नंबर क्या करना है, प्रिंट करना है, हर स्टूडेंट का सारा नंबर क्या करना है, प्रिंट करना है। तो फिर से प्रिंट करने के लिए भी हम यही वाला लूप चलाएंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे इनपुट नहीं होगा, यहाँ पे होगा इंटर। का जो है, ठीक है, ठीक, और यहाँ पे नंबर डाल देते हैं क्या, आपका परसेंटेज डी, एक स्पेस या दो स्पेस, इसके बाद क्या नंबर ऑफ आई का मुझे ठीक, और एक मार्क्स, पांचों शब्द का मार्क्स होने के बाद लाइन चेंज कर देंगे। ठीक बाकी सब का जरूरत नहीं है, इसे बता देते हैं, ठीक है? और वाइड मेन जो है आपका यहाँ पे बंद होगा, ऐसे लिखते नहीं, सॉरी, सी लैंग्वेज में इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, बाकी सब जगह पे ऐसे लिखते हैं। ये मार्क्स ऑफ आई, इसको हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे, ठीक है? बाकी दूसरे जगह पे उस तरह से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आप जब लिखेंगे तो इसको इस तरह से ब्रैकेट में ही लिखते हैं, ठीक है? ये सी लैंग्वेज का स्पेशल चीज है, ठीक ओके है? सर तो ये जो यस आपको, ये जो यहाँ पे जो हम लिखे थे ना, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे जो सी लैंग्वेज में जो है ये ऐसे लिखा जाए. ऐसे, ठीक है? बाकी सब जगह पे जो है ये इस तरह से काम चल जाता है, ठीक है? लेकिन सी लैंग्वेज में ये ऐसे होता है, ठीक? यस समझ सर में आ गया? तो नंबर पॉकेट का वही रहेगा, लेकिन लिखने का तरीका जो यहाँ पे है वो ये है कि भाई साहब आपको मार्क्स आई अलग और जे अलग रखना है। तो दिक्कत नो सर समझ में आ गया? तो वही प्रॉब्लम था, तो हम उसको इस तरह एक ही में लिख दिए थे, जो कि वैसे नहीं लिखना चाहिए, वही यहाँ पे बता रहे थे भाई ऐसे नहीं होगा, ठीक है? चलिए इसको हम लोग रन करते हैं। एरर भी क्यों आ रहा है, क्योंकि लूप जो मेरा एक बार ज्यादा चल रहा है, ठीक है? लूप क्या हो रहा है, एक बार ज्यादा चल रहा है, वेरिएबल लिए हैं, पॉकेट लिए हैं कम, और वैल्यू डाल रहे हैं ज्यादा, इसलिए वो एरर आ रहा था, और अब इस जो आपका एरर भी नहीं आएगा। हाँ सर, उसमें 9 लिखा हुआ था ना, उसमें इसमें हाँ, 10 अब सही हो पॉकेट गया? लिखा. तो आपका लूप एक बार क्योंकि ज्यादा चल रहा था, इसलिए वो एरर मैसेज आ रहा था, पूरा था कि जगह ही नहीं, और आप जो है उसमें वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सर तो ये अब आपका सही आ रहा है, कोई जी दिक्कत? सर चलिए, तो आपको नंबर नहीं इनपुट करना पड़ा, नंबर इनपुट अपने आप हो गया, और पांच पांच सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट हो गया है, और जो भी नंबर आएगा वो कितना से कितना, 10 से लेकर 100 के बीच का, राइट? या कुछ ऐसा ही है ना, तो 10 से लेकर 99 के बीच का नंबर आएगा, और ये आपका रहा प्रोग्राम, ठीक? और अब आपको क्या करना है, पहले आप इसको नोट कीजिए, अब आपका